हेलो एवरीवन, बेटा जी, एज यू आर फेमिलियर दैट वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर लोकल गवर्नमेंट्स फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड योर 8th चैप्टर इज लोकल गवर्नमेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 73rd अमेंडमेंट विच वॉज अबाउट द पंचायत एंड रूरल गवर्नमेंट. ओके, इन दिस अमेंडमेंट सेवरल पावर्स और सब्जेक्ट्स वर गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. 28 और 29 सब्जेक्ट वर टेकन एंड इट वॉज गिवन टू द पंचायत. ओके, रेगुलर इलेक्शन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश विच विल लुक द इलेक्शन matters of the state. Okay, then State Finance Commission was also appointed under 73rd to check the financial position of the local governments in the state. Okay, and review the distribution of revenue between the state and the local governments. So all these steps were taken to make the local level government effective. And today we are going to discuss about the 74th amendment. Okay, 74th amendment of the constitution. 74th amendment dealt with the urban local bodies or nagar palika. ठीक है, 73rd तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट वाज अबाउट द रूरल गवर्नमेंट और पंचायत्स. ओके, ये जो थी पंचायत के बारे में थी या फिर रूरल गवर्नमेंट के बारे में. अब हम लोग करने जा रहे हैं 74th. ये है म्यूनसिपैलिटी, एमसीज जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या नगर पालिका हिंदी में जिसको बोलते हैं, शहरों में यानी कि अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ रिटन हियर. ठीक है, शहरों की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में डील करेगी. व्हाट इज़ एन अर्बन गवर्नमेंट? इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना बिग सिटी मुंबई कोलकाता जैसे शहरों को, बट इट्स नॉट ईजी टू से. ठीक है, स्मॉल अर्बन एरियाज जो हैं, जो विलेज और टाउन के बीच में हैं, उनको द सेंसेस ऑफ इंडिया डिफाइन. इंडिया के सेंसेस क्या डिफाइन करते हैं कि एन अर्बन एरिया एज हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000. अर्बन एरिया क्या है? जहाँ पे कम से कम 5,000 पॉपुलेशन हो एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो? मिनिमम कम से कम 5,000 लोग रहते हों और 5,000 में से 75 क्या हो? वर्किंग हो, काम करते हों. ठीक है, अंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर. काम कौन सा? नॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो दैट इज़ द रूरल एरिया, बट नॉन एग्रीकल्चर में है तो दैट इज़ द अर्बन. अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एट लीस्ट 400 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, एक 400 पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, सॉरी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कम से कम 400 पर्सन, ठीक है, रहते हो एज पर 2011 सेंसस प्रोविजनल डाटा. अबाउट 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज. 31 पॉपुलेशन जो है, 31% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है. इन मैनी वेज बहुत तरह से 74th अमेंडमेंट जो है इज़ द रेपिटेशन ऑफ द 70. बहुत जो तरीक़ों से हम लोग कह लें, वेज से कह लो, मेथड से कह लें, जो 74th अमेंडमेंट थी वो 73rd से मिलती जुलती है, मतलब रेपुटेशन है. ठीक है, सेम रिपीट किया गया है जो 73rd में है. 73rd में क्या था? रिलेटिंग टू द डायरेक्ट इलेक्शन हो गए, रिजर्वेशन होगी, ट्रांसफ़र सब स्टेट लिस्ट कर देगी बहुत से. ठीक है, सब्जेक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट को वही चीज़ें, स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हमने मतलब 73rd अमेंडमेंट में डिस्कस कर लिया है वही सब कुछ इधर हुआ है.
ओके, और ये यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है वहाँ पे पंचायत है और इधर नगर पालिका है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफ़र ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो फंक्शन या पावर्स अर्बन लोकल बॉडीज़ को देंगी वो भी लिस्ट क्या है इशू कर देगी। दीज फंक्शंस जो है हैव बीन लिस्टेड इन द 12th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ठीक है मेंशन है। अब आज ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। हम लोगों ने 74th अमेंडमेंट इतनी डिटेल में इसलिए नहीं की सारी चीज़ें जो है वो 73rd वाली है, जो आपने वहाँ पे मेमोराइज कर दिया वही इधर लिखोगे अगर आ गया, ओके। अब आ जाइए जी, ऑल स्टेट्स जो है नाउ पास्ट द लेजिस्लेशन, हर स्टेट जो है अब लॉ पास करेगी, लेजिस्लेशन मींस एक लॉ पास करेगी जिसमें इम्प्लीमेंट क्या होगा प्रोविजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया अमेंडमेंट का, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो पास कर दिए वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेगी लॉ, ठीक है। जो लॉ बनाए गए 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंदर वो हर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना के उनको इम्प्लीमेंट कर देगी ड्यूरिंग 10 ईयर, 10 सालों के अंदर अंदर, और ये अमेंडमेंट्स जो हैं फोर्स में, ठीक है, आ जाएंगी कब से, 1994 से 2004 तक। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैड एट लीस्ट 2 राउंड ऑफ इलेक्शन एट लोकल बॉडी, हाँ ज़्यादातर इंडिया की स्टेट में तब तक सिर्फ 2 राउंड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, हुए थे। स्टेट लाइक मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान फ्यू अदर हैव द फास्ट हेल्ड 3 इलेक्शन, इनमें 3 इलेक्शन हुए थे। अब है सो फॉर यानी कि अब तक, वो मैंने बोल दिया, टुडे देयर आर नियरली मोर देन 500 जिला पंचायत, ठीक है, आज वहाँ पे 500 से ज़्यादा जिला पंचायत है, अबाउट 6000 ब्लॉक एंड इंटरमीडियरी पंचायत और 2,500,000 ग्राम पंचायत, यानी कि 2,50,000 पंचायत हैं, पंचायत के ऊपर 6,000 मैंने आपको बताया था ना ब्लॉक हैं और ब्लॉक के ऊपर ज़िला है, ठीक है। ये चेक कर लो सबसे ऊपर कौन सा है, ज़िला परिषद या ज़िला, उसके नीचे कौन सा है ब्लॉक, फिर उसके नीचे कौन है विलेज पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत हम जिसको बोलते हैं पंचायत, सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पे पंचायत। अब राजस्थान में पंचायत कितनी है, 2,50,000 राजस्थान मध्य प्रदेश, देन उनके ऊपर ब्लॉक कितने हैं 6,000 और उसके ऊपर ज़िला कितने हैं 500। समय लगी, मैंने आपको बोला ही है कि एक ब्लॉक जो है 8-8, 10-10 या उससे भी ज़्यादा पंचायत को लुक आफ्टर करता है, और इसी तरह से ज़िला परिषद भी 8-8, 10-10 या उससे ज़्यादा ब्लॉक को हैंडल करता है। समय लगी ये बात, आगे चलिए। देन है इंडिया एंड ओवर 100 सिटी कॉरपोरेशन, यहाँ पे रूरल एरिया में तो ग्राम पंचायत होगी, तो अर्बन सिटीज़ में क्या है सिटी कॉरपोरेशन, 1400 जो हैं वो क्या है टाउन म्यूनसिपैलिटी एंड ओवर 2000 नगर पंचायत इन द क्या है इंडिया में है ये नगर पंचायत, एंड मोर देन 32 लाख मेंबर आर इलेक्टेड बॉडी एवरी 5 ईयर, 32 लाख कैंडिडेट हैं मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आते हैं क्या है ग्राम नगर पंचायत म्यूनसिपैलिटी के हर 5 ईयर के बाद, क्योंकि अब रेगुलर इलेक्शन होते हैं 5 ईयर के बाद, सो ऑफ एटलीस्ट 10 लाख वुमेन, अब 32 लाख में से वीमेन कितनी हैं 10 लाख, स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्री पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5000
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इन सबको इकट्ठा रख दिया जाए तो लेस देन 5000 रिप्रेजेंटेटिव है विद लोकल बॉडी। नंबर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बहुत बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंसली बढ़ रहा है। अब है द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है, एक उसने ये काम किया, यूनिफॉर्मिटी ला दी है स्ट्रक्चर में, यानी कि एक जैसा स्ट्रक्चर है अब ऑल ओवर इंडिया में। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, ठीक है, पंचायत है और नगर पालिका पूरे इंडिया में, ये इंस्टीट्यूशन अब सेम हो गई है। और ये जो है द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, प्रेजेंस ऑफ दीज लोकल इंस्टीट्यूशन, ये जो लोकल इंस्टीट्यूशन जो है इज़ बाय इट्सेल्फ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राप्ति थी। जो रेगुलर इलेक्शन हो गया, पंचायत है, यूनिफॉर्मिटी है काम की और डेवलप अपने काम देख रहे हैं, ये इट वॉज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड वुड क्रिएट एन एटमोसफियर एंड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, ये एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी तभी हुई ना ट्रू सेंस में। सो प्रोविजन, अब ये भी प्रावधान किया गया फॉर द रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए रिजर्वेशन थी अब किस में, पंचायत में और नगर पालिका में, और इंश्योर किया गया कि प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मेंबर, मेंबर जो हैं वो वुमेन मेंबर होनी चाहिए लोकल बॉडीज़ में, ओके, यानी कि लोकल बॉडीज़ यानी कि पंचायत और नगर पालिका में। एज दिस रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो था इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द पोजिशन ऑफ सरपंच एंड अध्यक्ष, अब जो है ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल थी सरपंच और अध्यक्ष के लिए। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव टू ऑक्यूपाई, अब बहुत सी रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने ये ऑक्यूपाई किया पोजीशन। देयर आर एटलीस्ट 200 वुमेन हैं, अध्यक्षा हैं जिला पंचायत की, ठीक है, एंड 2000 वुमेन जो है हु आर द प्रेजिडेंट हैं ब्लॉक की और तालुका की। देन है 80,000 जो हैं वो सरपंचेज हैं या पंचेज हैं ग्राम पंचायत में, गेटिंग माय पॉइंट, पंचायत में कितनी है 80,000 वुमेन है, ब्लॉक में कितनी वुमेन है 2000 है, ज़िला जो सबसे ऊपर है उसमें 200 है। समय लग गई बेटा, ज़िला आई हैव टोल्ड यू सबसे ऊपर है रूरल गवर्नमेंट में, और ज़िले में कितनी है 200 वुमेन, और उससे नीचे है ब्लॉक, तो ब्लॉक में कितनी वुमेन हमने डिस्कस किया ऑल ओवर इंडिया 2000 है, और अब सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कितनी है ग्राम पंचायत में कितनी वुमेन है दैट इज़ 80,000, ओके, ये वुमेन का रिशो पता चल गया आपको कि यानी कि वुमेन भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। नाउ दिस वाज अ न्यूज़ क्लिप, यू हैव टू रीड इट, ओके, रिगार्डिंग द पंचायत। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी आल्सो हैव मोर देन 80, ठीक है, वी आल्सो हैव मोर देन 30 वीमेन मेयर, अब सिटीज़ में ये तो हमने गाँव का डिस्कस कर लिया कितनी वीमेन है, शहरों की अब अर्बन एरिया की डिस्कस कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो 30 जो हैं वो मेयर हैं, ओके, और 500 अध्यक्षा हैं टाउन म्यूनसिपैलिटी की, और ये जो हैं ऑल ओवर इंडिया का है ये, और 650 नगर पंचायत जो हैं, नगर पंचायत उसको कहते हैं ना जो विलेज है और ना ही वो सिटी है बड़े बन पाए, वहाँ पे नगर पंचायत होती है, तो वहाँ पे 650 वीमेन क्या है हेड हैं, वीमेन जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हासिल कर रही है, कॉन्फिडेंस है उनके पास, कंट्रोलिंग पावर ये कह ले कि बहुत अच्छी तरह से रिसोर्सेज को भी यूज़ करती हैं, उनकी प्रेजेंस जो है इस इंस्टीट्यूशन में बहुत सी विमेन के लिए
बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सोर्स है एंड हैज़ गिवन मैनी वीमेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन द पॉलिटिक्स, और अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है वीमेन में कि कैसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है या काम करना है. इन मैनी केसेस दे हैव ब्रॉट अ न्यू परस्पेक्टिव एंड अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशन. बहुत से हम लोगों ने अवसर देखे हैं या केसेस देखे हैं कि वीमेन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, अपने लोकल इश्यूज को लेकर डिस्कस करती हैं, कैसे सॉल्व करती हैं. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी ये केसेस डिस्कस किए थे. इन मैनी केसेस वीमेन आर अनएबल टू असर्ट देयर प्रेजेंट और वर प्रॉक्सीज फॉर द मेल मेंबर ऑफ फॉर देयर. पहले भी हमने कहा है कि बहुत से मेल मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़ते थे, जब वीमेन कैंडिडेट आ गए तो फिर वीमेन जो थी उनकी जगह पे प्रॉक्सीज उसी को कहते हैं कि मेल मेंबर की जगह पे वीमेन अब उतरी हैं और वो काम करना शुरू कर दिए हैं, एक स्पॉन्सर्ड है. सच इंस्टेंस हाउएवर आर बिकमिंग, अब जहाँ पे मेल मेंबर की जगह पे ठीक है वीमेन आके काम या शो करती है, अब ये केसेस कम है क्योंकि वीमेन अब इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं. वाई, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैंडेटरी ठहराया गया कि मोस्ट स्टेट हैव ऑल्सो मेड अ प्रोविजन टू रिजर्व सीट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस. अब बहुत सी रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो रही है एज इंडियन पॉपुलेशन जो है अब 16.2% शेड्यूल कास्ट, 8.2% शेड्यूल ट्राइब एंड 6.6 ठीक है. कितनी रिजर्वेशन है? 16.2% शेड्यूल कास्ट के लिए, 8.2 शेड्यूल ट्राइब पे के लिए. अबाउट 6.6 लाख जो है वो इलेक्टेड मेंबर हैं रूरल और अर्बन बॉडीज़ में जो इन टू कम्युनिटीज़ में से आते हैं. गेटिंग माई थिंग? 6.6 लाख मेंबर जो हैं जो चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो इन दोनों कम्युनिटी से ही इलेक्ट होके आते हैं. अब जो है लोकल बॉडी की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी है, मोर एंड मोर अब इनकी रियलिटी और इनका प्रेजेंस शो या इम्पॉर्टेंस पता चल रही है, कैसे ऑपरेट काम कर रहे हैं किस तरह. सम टाइम दिस लीड टू कई बार जैसे ये पावर और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो टेंशन हो जाती है. डोमिनेंट सोशल ग्रुप, क्योंकि ये जो है कई सोशल ग्रुप को अब इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया. ये ग्रुपिंग गलत है ठीक है, ग्रुप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन्होंने. विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव पावर, ओके गिव अप. बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे पावर को छोड़ना ही नहीं चाहते, एक पावर ग्रुप बन गया है, उन्हीं के पास रहे, उन्हीं को वोट मिले, वही पंच सरपंच बने और दूसरे के पास नहीं, ऐसा है. बट टेंशन एंड स्ट्रगल इज़ नॉट ऑलवेज बैड, पर कई बार टेंशन जो है ये बुरी भी नहीं होती ठीक है. इंटेंसिफिकेशन ऑफ द पावर स्ट्रगल तो हो रहा है पर कई बार बुरी भी नहीं होती. वैन एवर देयर इज़ एन अटेम्प्ट, कोशिश की गई है जब मीनिंगफुल स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, और जो हम अर्लियर नहीं, देयर इज़ अ बॉन्ड सम कॉन्फ्लिक्ट, कई बार टेंशन है सोसाइटी में बट डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स असाइन एज मैनी एज 29 सब्जेक्ट्स जो है, हमने 73rd अमेंडमेंट में डिस्कस किया था कि 29 सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के थे, आपको इतना तो पता है ना सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजुडरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है. तो ये स्टेट के सब्जेक्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए. ये 29 सब्जेक्ट जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के थे, ये लोकल गवर्नमेंट यानी कि रूरल में पंचायत, शहरों में म्यूनसिपैलिटी को दे दिए गए. और ये वही हैं 29 सब्जेक्ट जो कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए, आम लोकेलिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वही उनको दिए गए. द एक्सपीरियंस विद द फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट जो है पास्ट डेकेड में भी हमने देखा है कि इंडिया में जो है लिमिटेड ऑटोनमी, आज़ादी उसको मिली थी काम करने की, और का बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो
पावर भी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती थी, बहुत से सब्जेक्ट जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाती थी। दिस मीन दैट लोकल बॉडी कैन नॉट रियली फंक्शन इन एन इफेक्टिव, इसका मतलब ये है कि लोकल बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। इसलिए एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग सो मैनी रिप्रजेंटेटिव बिकम समवट सिम्बॉलिक, इसलिए इतने इलेक्शन होना, इतने लोकल रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्ट होना, अगर उनके पास पावर ही नहीं काम करने की उनको दी न जाए, तो ये सारा दिखावा है, ड्रामा है और सिम्बॉलिक है, बस शो करना, सिंबल है। सम पीपल जो है इसको इलेक्ट भी क्रिटिसाइज करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल फॉर्मेशन बॉडीज की फॉर्मेशन या पावर देना ये गलत है। दिस हैज़ नॉट चेंज द वे इन विच डिसीजन आर टेकन एट द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। लोकल बॉडी बंद तो होगी, ये काम आम लोगों की मदद करेगी, लोकल पीपल की, बट वो भी लोकल गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंटर गवर्नमेंट काम करती है, वही पीपल जो है लोकल लेवल पे, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है लोगों के वेलफेयर प्रोग्राम और उनके रिसोर्सेज को, ठीक है, यूज़ करने की, प्रॉपरली एलोकेट करने की ये पूरी तरह से नहीं है। अब हम लोग लास्ट में जो है बोलीविया का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। बोलीविया जो है ये फ्रीक्वेंटली साइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, ये जो है बोलीविया में बहुत से सक्सेसफुल केसेस हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बोलीविया जो है साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ओके, लैटिन अमेरिका में। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन में क्या हुआ, लॉ डिसेंट्रलाइज्ड पावर जो है, ठीक है, पावर जो है ये क्या है, लोकल लेवल को दी गई, उनको लॉ किया गया कि इलेक्शन ऑफ मेयर, डिवाइडिंग द कंट्री, कंट्री को म्यूनसिपैलिटी में डिवाइड किया, क्राफ्ट किया गया एक सिस्टम जो ऑटोमेटिक फिस्कल पावर को ट्रांसफ़र करेगा न्यू म्यूनसिपैलिटी में। बोलीविया जो है इज़ डिवाइडेड, बोलीविया 314 म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स में डिवाइडेड है, और गवर्नमेंट जो है बोलीविया में ये हेडेड बाय पॉपुलर इलेक्टेड मेयर, ठीक है, जो पॉपुलर और इलेक्ट होके आए हैं मेयर, वही गवर्नमेंट्स में काम करते हैं, ओके। एंड म्यूनसिपल काउंसिल्स, ये लोकल इलेक्शन जो है नेशन वाइड पूरे कंट्री में होते हैं, हर 5 साल में ये लोकल इलेक्शन होते हैं और ऐसे गवर्नमेंट बनती है, यही के पॉपुलर जो है मेयर, मैंने बोला ना गवर्नमेंट चलाते हैं। बोलीविया जो है लोकल क्या है, बोलीवियन लोकल गवर्नमेंट जो है ये इंटरेस्टेड विद बिल्डिंग लोकल हेल्थ, उनका विश्वास है कि कंट्री तभी स्ट्रांग होगा जब कॉमन पीपल लोकल हेल्थ और एजुकेशन, ओके, एजुकेशन जो है वो फैसिलिटी सबको मिलेगी, और एज वेल एज इसके साथ मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में प्रॉपरली होगा। बोलीविया की 20% नेशन वाइड टैक्स कलेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये टैक्स कंट्री का जितना भी कलेक्ट होता है उसमें से 20% जो है म्यूनसिपैलिटीज़ में दे दिया जाता है ऑन अ बेसिस, पर कैपिटा बेसिस, ओके। ये म्यूनसिपैलिटी जो है मे लेवी टैक्सेस ऑन मोटर व्हीकल, ये म्यूनसिपैलिटी को इंडिपेंडेंस है कि वो टैक्सेस लगा सकती हैं व्हीकल्स के ऊपर, अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर, लार्ज एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और फिस्कल ट्रांसफ़र, ठीक है, के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं जब, तो ये बल्क ऑफ ओपनिंग बजट ऑफ दीज टू यूनिट, ये भी है ये बजट बनाना इनका कैसे। लोकल बॉडीज़ जो हैं ये बहुत कम फंड है इंडिया में, ये तो हमने बोलीविया का केस डिस्कस किया ना कि किस तरह से वहाँ पे इलेक्शन और फंड दिए जाते हैं और वो खुद भी अराइज कर सकते हैं अपने लिए फाइनेंशियल कंडीशन, बट इंडिया में जो है फंड बहुत कम है लोकल बॉडी के लिए और वो टोटली डिपेंडेंट है
किसके ऊपर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिपेंडेबल है स्टेट और सेंट्रल की, पैसा दें और काम करें फाइनेंशियली, ठीक है, उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, एंड इरोडेड, इसी तरह से उनकी ख़त्म हो जाती है, इरोड हो जाती है, छिन जाती है, क्या है, कैपेसिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली काम करने की। वाइल रूरल लोकल बॉडीज जो हैं 0.24% टोटल रेवेन्यू सिर्फ उनको कलेक्ट होता है, ठीक है, अपने रूरल एरिया से, और अमाउंट जो है 4% इनको चाहिए टोटल खर्चने के लिए। खर्चने के लिए क्या है, 4 रुपये चाहिए और उनको मिल रहे हैं 0.24, ठीक है, ये है देखिए हाल, यानी कि आप लगा लो कि बहुत बुरा हाल है, टोटली डिपेंडेंट है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सो दे अर्न मच लेस दे स्पेंड, ठीक है, दिस मेक देम डिपेंडेंट ऑन दो, इसी तरह, इसी वजह से ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है उनके ऊपर जो उनको ग्रांट देते हैं, मदद पहुंचाते हैं। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट टू डिस्कस द कंक्लूजन, लेट्स चेक सम ऑफ फ्यू लाइंस ऑफ द कंक्लूजन। ये हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, इंडिया में किस तरह से वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, लॉन्च की, मोर पावर दे दी लोकल गवर्नमेंट को कि वो अपने, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ पावर, पावर डिवाइडेड कर दी है बहुत से हाथों में। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि पावर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। पीपल जो गांव और शहरों में रहते हैं, विलेजेस और अर्बन लोकेलिटी में, उनके पास पावर होनी चाहिए अपने, क्या है, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को किस तरह से वो चाहते हैं, उस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी में किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर होनी ज़रूरी है, और हमारे इंडिया में भी हुआ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सके। द लॉ अबाउट लोकल गवर्नमेंट जो है आर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, बट ट्रू टेस्ट जो है डेमोक्रेसी का मेयरली इन द लीगल प्रोविजन बट इन प्रैक्टिस। खाली डेमोक्रेसी में ये नहीं है, लॉ बना दिए हमने, प्रोविजन बना दिए, ऐसे काम, प्रैक्टिस में ये सब कुछ होगा तभी माना जाएगा ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। विद दिस वी कम टू एंड एन एंड टू द चैप्टर लोकल गवर्नमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सेंड मी योर प्रॉब्लम इन